बैक टू माई चैनल. मैं हूँ सुषमिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए. और अगर आपको मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए, लाइक पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में. बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि मैं सक्सेस स्टोरी पोस्ट करूंगी और आप सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मैम आप अपने लाइफ में क्या सक्सेस स्टोरी है उसको शेयर करो. बट एक प्रॉब्लम ये आता था ना कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी डिज़ायर, ठीक है, और पिछले मेरे जितना भी बकेट लिस्ट था वो सारा कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है. तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या लाइक कौन सा सक्सेस स्टोरी पहले करूँ, क्या शूट करूँ. तो मैंने सोचा है कि आज मेरे जितने भी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज हैं अभी के करेंटली, उन सबको मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के बारे में जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो रिसेंटली हुआ था मेरे साथ. वो बहुत इंस्टेंट था, ठीक है. तो हुआ क्या है कि मैं मेरे घर के थोड़े से दूर में एक बहुत खूबसूरत सा कोजी सा कैफ़े बना है, ठीक है, और वहाँ पे मुझे जाना था और मैं निकल पड़ी, ठीक है. मैं अपने भाई के साथ हूँ, मैं स्कूटी के पीछे बैठी हूँ और अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई. और मैंने कहा कि यार, मतलब मैंने फ़ोन मेरे हाथ में पकड़ रखा है और मैंने थोड़ा सा थोड़ा पतला सा टॉप पहना था और ऐसा बारिश होगा अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और पहुंचने में भी थोड़ा वक्त है, मैं रिटर्न भी नहीं आ सकती, इतना ज़्यादा रश है, बारिश है बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ. थोड़ा सा मैं घबरा गई. फिर उसके बाद मैंने ऑन द स्पॉट अफर्मेशन देना शुरू कर दिया, ठीक है, कि द वेदर इज़ वेरी नाइस क्लीन एंड ड्राई, ऐसा कुछ मैंने बोला था कि वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, अ परफेक्ट वेदर है. और ऐसा मैं अफर्म करती रही बार बार और जैसे ही मैंने अफर्मेशन देना शुरू किया, शायद दो मिनट से भी कम अफर्मेशन मैंने किया होगा और इमिडिएटली बारिश रुक गई. कुछ लोगों को ना यहाँ पे सवाल आएगा कि मैम इंस्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट करते टाइम ना तकलीफ होती है, मतलब प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, आप कैसे करते हो. आपको जैसे मैंने कहा, अगर मैनिफेस्टेशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, जैसे कि इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, मैनिफेस्टेशन में डिले हो रहा है, डेस्परेशन है, या फिर ऐसा कुछ भी है, अपना SC मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको प्लीज़ चेक करें, ठीक है, और मैं ये वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा. तो मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ कि आई एम एन इंस्टेंट एंड मास्टर मैनिफेस्टर. ये मेरे SC सेल्फ कॉन्सेप्ट जो जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस में हमेशा होता है. मैंने अपने दिमाग को वैसा प्रोग्राम कर दिया है कि मैं कुछ भी चाहूँ, किसी को भी चाहूँ, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, मैं इंस्टेंटली उस चीज़ को या फिर उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ और कर लेती हूँ. ये मैंने अपने दिमाग में रिप्रोग्राम कर दिया है अपने आप को बोलते बोलते. कभी कभी हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो सेल्फ टॉक में आप क्या करते हो, क्या आपके दिमाग में चलता है उसको वॉच करो, ठीक है, उसको सुनो, उसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा कॉन्शियस होकर देखो कि आप अपने आप को बोलते क्या हो पूरे दिन में. तो मैं अपने आप, जब मैं खाली बैठती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि कितना आसान है मेरे लिए कुछ भी इस दुनिया में हासिल करना, कितना ज़्यादा आसान है, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी कितनी स्मूथ है, कितनी ईजी है, ठीक है. ऐसे बोलने से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होता है और लाइफ में जो स्ट्रगलफुल चीज़ें होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है. वंस आपका दिमाग, जो सबकॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ योर माइंड, जिस अगर एक बार आपका कैच कर ले उस चीज़ को, आपको मैनिफेस्टेशन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है. मैं इसीलिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा बोलती हूँ कि आई एम एन इंस्टेंट मैनिफेस्टर, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, मैनिफेस्टिंग एनीवन एंड एनीथिंग इज सुपर ईजी फॉर मी, ठीक है. तो आप अगर कुछ डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसमें डिले हो रहा है, उसके साथ साथ SC लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फास्ट करने के लिए अफर्मेशन साथ ही साथ दिया कीजिए. फर्स्ट आप इसको बोलिए, SC अफर्मेशंस को कुछ 10 मिनट तक, फिर आप अपने डिज़ायर के लिए अफर्म कीजिए. ऐसा करते करते पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्म कीजिए, ठीक है.
ये रहा मेरा पहला सक्सेस स्टोरी, एंड द सेकंड सक्सेस स्टोरी इज लाइक 27,000 रुपीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया. मेरे एक जगह से 27,000 रुपीज़ आना था, ठीक है. प्रॉब्लम था कि वो डिले हो रहा था, बार बार थोड़ा डिले हो रहा था. तो मैंने सोचा कि अफर्म करते हैं, ठीक है. और मैंने ना थोड़ा सा उस टाइम ना थोड़ा सा उसको लेके डेस्परेट थी, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस था लाइफ में उस टाइम. लाइक कुछ काम मेरे अटक रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे फोकस करूँ या इस पे फोकस करूँ. कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता है, और उस टाइम मैं लंबा पॉज ले लेती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ जो कि मुझे काम डाउन करवाता है. और उसके बाद मेरे पास तो एक है जादू की छड़ी जो कि सबके पास है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और यूनिवर्स हमें हमेशा सुनते रहते हैं. और सिंपली मैंने अफर्मेशन देना शुरू कर दिया दैट आई रिसीव माई 27,000 रुपीज़, ठीक है, फ्रॉम एक्स वाई जी कंपनी या फिर जो भी जहाँ से भी मेरा आना था, ठीक है. आई रिसीव माई 27,000 रुपीज़. बार 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 बोलने लगी, और बोलते बोलते मैं सो गई थी. मुझे याद है मैंने रात के टाइम पे ज़्यादा बोल रही थी, मतलब पूरे दिन मैंने अफर्म किया और शाम में मैंने थोड़ा करना भूल गई थी. और रात में जब मैं सोने जा रही थी, उससे सोने से कुछ टाइम पहले, जैसे कि सैट्स करते हैं, सैट्स क्या होता है वो भी मैंने वीडियो डाला है, चेक ज़रूर कीजिएगा. मतलब अफर्म करते करते मैं थक के सो गई. और जब मैं सुबह उठी, तो सुबह उठते ही मैं फ़ोन इंटरनेट यूज़ नहीं करती हूँ, बस फ़ोन थोड़ा उठाती हूँ अपने अफर्मेशन के लिए, ठीक है, अफर्मेशंस पढ़ने के लिए. तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया और मैंने देखा कि मुझे मैसेज आया है, मतलब मुझे रिसीव हुआ है, मनी रिसीव हुआ है. और आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये इतना इंस्टेंट था, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंस्टेंट था. और एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मेरा सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये मेरे भाई का सक्सेस स्टोरी है. मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि माय ब्रदर सक्सेसफुली मैनिफेस्टेड हिज लाइक गेमिंग सेटअप. वो उसको एक्चुअली गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है और उसको उसमें करियर बनाना है. पर आपको पता है कभी कभी एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले घर वाले थोड़े से पूछते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ पूछते हैं. तो पापा थोड़ा सा बोल रहे थे कि क्या करोगे, इतना ज़्यादा अभी तुम पे इन्वेस्ट करेंगे. पापा के हिसाब से वो बोल रहे थे कि अभी इन्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ हुआ नहीं तो क्या करोगे, देखते हैं. थोड़ा वो डिले कर रहे थे उसको, थोड़ा सा मतलब जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा तंग कर रहे थे काइंड ऑफ. और उसने कहा, वो थोड़ा परेशान हो रहा था. तो मैंने कहा कि सिंपली तुम अफर्मेशंस दो, तुम क्यों इतना 3D पे रिएक्ट कर रहे हो, इसको बोलता हूँ वो हेल्प करेगा, उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली अफर्म और वो ऑटोमेटिकली होगा. और उसने अफर्मेशन देना शुरू कर दिया कि मुझे मेरी गेमिंग सेटअप मिल चुकी है और मैं हर दिन गेम खेल रहा हूँ, मेरा मेरा बहुत सक्सेसफुल करियर है गेमिंग में. और ऐसा ऐसा बोलना उसने शुरू कर दिया. और जैसे ही उसने शुरू किया बोलना, उसके 7 दिन में, ठीक है, 7 डेज लगे उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो बहुत रोबोटिकली बोल रहा था, ठीक है, मतलब सोते बैठते उठते. मैंने तो उसको खाना खाते टाइम भी बोलते हुए सुना है, लाइक एक एक निवाला खाता था और बोलता रहता था कि मेरे मुझे मिल गया मिल गया. एंड उसके बाद, और उसको 3D पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बहुत अच्छे से इग्नोर करता है रियलिटी को. क्योंकि लाइक ऑफकोर्स आपका एक, जैसे मैं उन्हें बोलती हूँ, आपका एक ह्यूमन रिएक्शन रहेगा उस चीज़ को लेके, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट उस चीज़ पे क्यों करना जो चीज़ किसी भी मोमेंट चेंज हो रही सकती है, राइट. आप लाइक आपके लाइफ में किसी भी मोमेंट में चेंज हो सकती है, राइट. तो उसने अफर्मेशन देना शुरू किया और 7 डेज बाद पापा के साथ जाके वो अपना पूरा सेटअप लेके आ गया. तो ये रहा उसका सक्सेस स्टोरी. और एक सक्सेस स्टोरी मेरी है कि मेरा बर्थडे था 10 अगस्त को, और सभी ने मुझे विश किया था सिवाय एक पर्सन के, और मैं चाहती थी कि वो मुझे विश करें, बट 12 बज गया था, विश नहीं किया था उन्होंने. एंड आई वाज फीलिंग कि विश किया, ही और शी, जो भी वो पर्सन है, उसने मुझसे तो बहुत बातें की है. विश करना तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है, वो पर्सन ने मुझसे बहुत बातें की है, इट्स जस्ट लाइक कि नॉर्मल चीज़ है. और मुझे 12 बजे, जब 12 बज गया, जब 1 बज गए, 12:30 बज गया, आई वाज फीलिंग लिटिल लाइक नेगेटिव कि अरे अभी तक कॉल नहीं आया, अभी तक नहीं आया. माई लॉजिकल माइंड आस्किंग मी क्वेश्चन, ठीक है. फिर उस टाइम मैंने उसको जवाब दिया अपने हिसाब से, किसने कहा नहीं आया, मुझे आया है, मैंने अभी रिसीव किया है. बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड देख नहीं सकता आपकी रियलिटी में क्या हो रहा है, बट वो सुन सकता है जो आप उसको बार बार फीड करते हो, राइट. तो मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे आ चुका है, मैंने अभी रिसीव किया कॉल, और हमने बात किया, बहुत लंबे टाइम तक बात किया, और मुझे एग्जैक्ट 2 बजे कॉल आया उस पर्सन से, एंड वी टॉक्ड, ठीक है. तो इतना इजी था, ठीक है, कोई भी लाइक मैनिफेस्ट करते टाइम अगर आपका लॉजिकल माइंड कुछ सवाल जवाब करे या फिर आपको कभी कुछ ट्रिगर मिले, इट्स ओके,
बस उस पे ज़्यादा फोकस ना करके, अपने नेगेटिव थॉट पे ज़्यादा फोकस ना करके उसको इमिडिएटली डिक्लाइन कर दो, बोलो फक ऑफ, फक यू, दिस इज़ नॉट माय रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ माय रियलिटी और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, सिंपल, गेट आउट, बाय बाय, टाटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, ये बहुत फन चीज़ है बट इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है एक पर्टिकुलर टाइप के थॉट को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगा, बिकॉज जैसे ही आप का एक पर्टिकुलर टाइप का थॉट आता है आपके ब्रेन में, आप इसको इमिडिएटली डिक्लाइन करते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, राइट? एंड लास्ट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी आई वांट टू शेयर कि मेरी जो दादी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बीच में। ठीक है, हमको ऐसा सुनने को मिला कि उनका कुछ लाइक उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है और उनको लाइक बहुत तबीयत ख़राब है उनका। हम हॉस्पिटल भी उनको लेके गए और वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे मेरी, और वो तबीयत ख़राब के चलते ना उनका एनर्जी भी बहुत डाउन हो गया था। वो पहले अपना काम करती थी, खुद 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 ही करती थी अपना काम, और अभी क्या है कि वो काम भी नहीं करना चाहती थी अपना, और थोड़ा वो वॉक पे जाती थी वो भी उनको करना पसंद नहीं था, टीवी देखना भी इतना कुछ खास पसंद नहीं आता, बस वो मतलब स्ट्रेस रहती थी और बस बैठी रहती थी। वो होता है ना जब आप थोड़ा सा एज हो जाता है तो एटलीस्ट आपको अपने काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, खुद का काम करते रहना चाहिए, हाथ पैर बिल्कुल जाम नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए। तो उन्होंने करना स्टॉप कर दिया था और वो बहुत नेगेटिव हो रही थी उस टाइम। तो मेरी मम्मी ने अफर्मेशन देना शुरू कर दिया कि माय मदर इन लॉ इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, शी इज़ कम्प्लीटली हील्ड फ्रॉम हर डिजीज़, ऐसा कुछ करके। एंड वो बार बार बोल रही थी कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो परफेक्टली फाइन एंड फिट है, वो बिल्कुल अपने लाइक अपने उस स्टेट से बाहर निकल चुकी हैं, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ लाफिंग, शी इज़ लाइक डूइंग ऑल दोज स्टाफ। ठीक है, जो वो करती थी वो बस अपने आप पे एक सेल्फ टॉक कर रही थी और बस एक अफर्मेशन है वो जो बार बार रिपीट कर रही थी कि माय मदर इन लॉ इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड हेल्दी, बार 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 रिपीट कर रही थी। और नेक्स्ट डे ही उनका डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, लाइक शाम तक उनका डिस्चार्ज हो गया था हॉस्पिटल से। प्लस वो अभी मेरी दादी को अगर मतलब कोई अगर देखेगा तो शायद यकीन करेगा कि पहले जैसी वो नेगेटिव थी वो अभी नहीं है। इनफैक्ट मेरी दादी भी अफर्मेशंस देती है उनके डिज़ायर्स के लिए, जो भी उनको चाहिए, लाइक स्पेसिफिकली उनके हेल्थ के लिए। ठीक है, और अपने अपने आँखों के लिए उनको चाहिए कि उनकी आँखों की रोशनी अच्छे से रहे, मतलब वो अच्छा अच्छे से देख पाए, उनको वो स्पेक्टिकल्स वगैरह नहीं पहनना, तो वो उनके लिए अफर्मेशंस खुद के लिए दे रही हैं। प्लस वो अभी बिल्कुल एक्टिव है। मम्मी ने कॉन्स्टेंटली एक हफ्ते तक, मतलब मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी उन्होंने अफर्मेशन देना थोड़ा सा स्टॉप नहीं किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। छोटे छोटे काम जैसे वो करती थी लाइक एक्सरसाइज करना, स्ट्रेच करना, थोड़ा सा चलना, वॉक करना, ये करना शुरू कर दें फिर से, और वो उन्होंने एक हफ्ते तक कॉन्स्टेंटली किया। एंड राइट नाउ मेरी दादी बहुत फिट है और बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, जो कि मतलब देख के बहुत खुशी फील होती है, राइट? सो या, सो दीज आर माई सक्सेस स्टोरी, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरी आने वाली है नेक्स्ट। एंड वन ऑफ माई क्लाइंट अभी रिसेंटली मुझे एक अपना बहुत ही बढ़िया सा सक्सेस स्टोरी दिया है, उन लोगों का सक्सेस स्टोरी भी मैं अपने चैनल पर शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको कुछ आपका खुद का कुछ सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लाइक पोस्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, एंड याद रखिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है। ठीक है, हमें मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। ठीक है, सो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू।